डियर स्कॉलर्स, आज क्वेश्चन आंसर ग्रुप में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा डिस्कस करते हैं, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन आप बताओ। हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। दो इन्फेक्शियस डिजीज के नाम बताएं। टू नेम्स ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, वो बीमारी जो किसी पैथोजन के द्वारा होती है, इन्फेक्शन के द्वारा होती है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफिन। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज के द्वारा मलेरिया होता है। नेक्स्ट, टू नेम ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, दो जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम बताओ। जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने पूछा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, एक और नोट कर लें, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। यहाँ पे एक बात नोट करना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डोमिनेंट है, ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर रिसेसिव होते हैं, लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी मेलन का निक नेम क्या था? टाइफाइड मैरी। मेरी मेलन का निक नेम टाइफाइड मैरी था। मेरी मेलन का जॉब क्या था? अरे साइंटिस्ट नहीं थी ये खाना पकाती थी। तुम तो जो नाम देखो एनसीईआरटी में समझ लो साइंटिस्ट है। मेरी मेलन खाना पकाती थी, कुक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड का पैथोजन साल्मोनेला टाइफी, पैथोजन किसे कहते हैं? हाँ, दोज ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, पैथोजन वे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जो कि डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड के पैथोजन का नाम बताएं। राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड का पैथोजन है राइनो वायरस, और कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है। निमोनिया का पैथोजन बताएं। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, तो किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को डिप्लोकोकस निमोनी भी कहा जाता है। निमोनिया का एक पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसके दूसरा पैथोजन कौन सा है? हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अगर निमोनिया क्रोनिक हो जाए मतलब बहुत लंबे समय से निमोनिया चल रहा है, तब इसका क्या सिम्टम आएगा? अगर क्रोनिक निमोनिया है तो लंग्स एल्वोलाई में फ्लूड भर जाता है, लंग्स एल्वोलाई में फ्लूड भर जाता है। और दूसरा सिम्टम ये है कि नेल्स, लिप्स ब्लू कलर के हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है। और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग तो है इसका सिम्टम, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। मलेरिया के पैथोजन का नाम बताएं। मैं समझ रहा था तुम मच्छर बताओगे। हाँ, एक तो तुमने मच्छर कहा, अरे मॉस्किटो ही कह देते। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम, भूल मत जाना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है। मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज है। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज के नाम बताएं। प्लाज्मोडियम की चारों स्पीशीज के नाम बताइए, नोट कीजिए। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मेलेराई और प्लाज्मोडियम ओवेल। मैलिग्नेंट मलेरिया का पैथोजन बताएं। मैलिग्नेंट कहते ही उसे जो लीथल होता है, मैलिग्नेंट किसे कहते हैं जो कि लीथल होता है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब वो मलेरिया जिससे ज़्यादातर डेथ हो जाती है, तो उसका पैथोजन कौन है? मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए। क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करती है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करती है, या इसको हम ऐसे कह लें कि फीमेल एनोफिलीज जब ह्यूमन को बाइट करती है, ह्यूमन को काटती है, तब वो अपने सलाइवा के साथ प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज को रिलीज करती है? आंसर है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट में क्रोमोसोम नंबर बताएं। स्पोरोजॉइट हैप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं? स्पोरोजॉइट हैप्लॉयड होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं? स्पोरोजॉइट डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोजॉइट किस ऑर्गेन को इन्फेक्ट करते हैं? स्पोरोजॉइट लीवर को, स्पोरोजॉइट का इन्फेक्शन डायरेक्ट लीवर में होता है। ट्रोफोजॉइट, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट किस सेल्स को संक्रामित करता है, इन्फेक्ट करता है, किस सेल्स पर अटैक करता है? आरबीसी, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट आरबीसी में होता है।
आरबीसी में होता है, हीमोजोइन ग्रैनुल्स, हीमोजोइन ग्रैनुल्स आरबीसी में पाए जाते हैं, इन्फेक्टेड आरबीसी में, हीमोजोइन ग्रैनुल्स इन्फेक्टेड आरबीसी में पाए जाते हैं। ये ग्रैनुल्स आते कहाँ से हैं? आरबीसी को प्लाज्मोडियम का, आरबीसी को प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, और आरबीसी के अंदर जाकर ये ट्रोफोजॉइट बनाते हैं। ट्रोफोजॉइट कहते हैं फीडिंग स्टेज को। तो प्लाज्मोडियम की फीडिंग स्टेज मींस ट्रोफोजॉइट आरबीसी में रहती है, और आरबीसी में रहकर हीमोग्लोबिन को खाती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो हीम बचता है पिगमेंट वो बनाता है हीमोजेन ग्रैनुल्स, और हीमोजेन ग्रैनुल टॉक्सिक हो जाते हैं। मलेरिया का सिम्टम, मलेरिया सिम्टम बॉडी में किस स्टेज पर उत्पन्न होता है? देखिए, मलेरिया का सिम्टम क्या है? शिवरिंग और फीवर, शिवरिंग और फीवर। आरबीसी में प्लाज्मोडियम की शाइजॉन्ट स्टेज होती है, शाइजॉन्ट कहते हैं एडल्ट को। शाइजॉन्ट डिवाइड करके शाइजॉइड्स बनाते हैं। एंजाइम लाइसोलेसाइथिन, एंजाइम लाइसोलेसाइथिन की प्रेजेंस में आरबीसी रैप्चर कर जाती हैं, और आरबीसी के रैप्चर करने पर हीमोजोइन ग्रैनुल ब्लड में आके मिल जाता है, और हीमोजोइन ग्रैनुल चूँकि टॉक्सिक होता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इसकी टॉक्सिसिटी के कारण शिवरिंग भी होती है और फीवर भी आता है। तो जिस समय आरबीसी रैप्चर करती है उस समय मलेरिया का सिम्टम उत्पन्न होता है, जो कि शिवरिंग है और फीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल, प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल किस होस्ट में कंप्लीट होती है? प्राइमरी होस्ट में, इसमें प्राइमरी होस्ट में। सेकेंडरी होस्ट में प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? कुनेन, और कुनेन को हम सिंकोना प्लांट से ऑप्टेन करते हैं, सिंकोना प्लांट से प्राप्त करते हैं। मैकेनिकल कैरियर का नाम बताओ भाई, आप बताएं मैकेनिकल कैरियर का नाम। हाउस फ्लाई, मैकेनिकल कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है, जिसे कहते हैं अमीबॉइसिस? अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है, जिसे हम कहते हैं अमीबॉइसिस? एंट बताइए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। अमीबिक डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन है। क्या है? प्रोटोजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस फ्लाई तो मैकेनिकल कैरियर हो गया, ये तय हो गया। एक डिजीज़ है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के पैथोजन का नाम बताइए, एलिफेंटियासिस के पैथोजन का नाम बताइए। वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी, वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचीरिया मलाई, लिख लो भाई, आप भूल जाते हैं बार बार। एलिफेंटेसिस का दूसरा नाम है फाइलेरियासिस, कॉज्ड बाय
वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचीरिया मलाई। फाइलेरिसिस डिजीज़ में क्या होता है कि लिम वेसल्स को फाइलेरियल वॉर्म ब्लॉक कर देती हैं, लिम वेसल्स को फाइलेरियल वॉर्म ब्लॉक कर देती हैं, जिससे लिम वापस नहीं लौट पाता और लिम पे उस ऑर्गन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जहाँ की लिम वेसल्स ब्लॉक होती हैं। ज़्यादातर ये पैर की लिम वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और सारा लिम फिर पैर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और लिम और पैर फूलना शुरू हो जाता है ना, उसे कहते हैं एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरियसिस बताएं। एस्केरियसिस डिजीज का पैथोजन बताइए। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस पैथोजन है एस्केरियसिस का। एस्केरियसिस, एस्केरिस को आम भाषा में क्या कहते हैं भाई? एस्केरिस को आम भाषा में कहते हैं पेट का केचुआ, ठीक है, याद कर लेना। एस्केरियसिस डिजीज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। एस्केरिस में मेल फीमेल अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत, ठीक है, हो सकता तुम्हें हो भी। अरे रिंग वॉर्म, खुजली जिसे बोलते हैं, खुजली दाद ये सब, रिंग वॉर्म, ठीक है, रिंग वॉर्म डिजीज़ किससे होती है? रिंग वॉर्म स्टूडेंट्स, रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज़ है। फंगल मतलब फफूंदी। पैथोजन बताइए रिंग वॉर्म का पैथोजन। नोट करें, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम रिंग वॉर्म का पैथोजन। नोट कर लिया, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मो, एपिडर्मिस कहते हैं स्किन का ऊपरी भाग, फाइटोन माने प्लांट, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइका माने थ्रेड लाइक, फाइटोन माने प्लांट, माइक्रोस्पोरम। तो याद करो, रिंग वॉर्म डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मो फाइटोन। नहीं याद किया तुमने, फिर से याद करें, फिर से याद करें, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबॉर्न डिजीज के दो एग्जांपल, टू एग्जांपल्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, टू एग्जांपल्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज बताइए। एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज मतलब होता है कि जो कि एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैल जाती है, मतलब छींकने से, खांसने से एक आदमी से दूसरे आदमी में लग जाती है। एक तो कॉमन कोल्ड जानते ही होंगे आप, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, और दूसरा निमोनिया, दूसरा क्या है? निमोनिया। तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये हैं एयरबॉर्न डिजीज। कौन सी डिजीज है? एयरबॉर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल एनोफिलीज के क्रॉप में या स्टोमक में? क्रॉप में या स्टोमक में? देखिए, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट है, एक ह्यूमन है और दूसरा कौन है? फीमेल एनोफिलीज, है ना। तो फीमेल एनोफिलीज ह्यूमन की बॉडी में तो स्पोरोजॉइट छोड़ती है, अब ह्यूमन की बॉडी से वापस फीमेल एनोफिलीज में कौन सी स्टेज जाती है? ह्यूमन की बॉडी से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज फीमेल एनोफिलीज में एंटर करती है?
गेमेटोसाइट, गेमेटोसाइट, गेमेटोसाइट। मैंने बताया था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में होता है। फीमेल एनोफिलीज कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड? ये कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड? फीमेल एनोफिलीज कोल्ड ब्लडेड है और ह्यूमन वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड हैं ही दो, दो क्लास वार्म ब्लडेड हैं, एक मैमल और एक एवीज। मैमल भी वार्म ब्लडेड हैं और एवीज भी वार्म ब्लडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एडीज, एडीज मॉस्किटो हैं, एडीज मॉस्किटो हैं, एडीज किस पैथोजन का वेक्टर है? डेंगू वायरस का, डेंगू, डेंगू के वायरस का ये वेक्टर है। डेंगू को येलो फीवर भी कहते हैं, डेंगू को येलो फीवर भी कहा जाता है। और ये चिकनगुनिया के वायरस का भी वेक्टर है, चिकनगुनिया के वायरस का भी वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इम्यूनिटी कौन है? फादर ऑफ इम्यूनिटी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अरे भाई, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। इम्यून सिस्टम इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। वो कौन सी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता? इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज का नाम बताएं, इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज का नाम बताएं, उस डिजीज का नाम बताओ जिसमें इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता है। एड्स, और दूसरा SCID, नोट कर लें, एड्स। ओफो, एड्स में तुमने क्या कर दिया, कैपिटल से लिखना था, कैपिटल A, कैपिटल I, कैपिटल D, कैपिटल S, एड्स। और दूसरी कौन सी है? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, ये दोनों बीमारी इम्यून सिस्टम के ना होने पर होती है, SCID भी और एड्स भी। तो इन्हें हम कहते हैं इम्यूनो डिफिशेंसी डिसऑर्डर, इम्यूनो डिफिशेंसी डिसऑर्डर। इम्यूनो डिफिशेंसी डिसऑर्डर का एग्जांपल है एड्स और SCID। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म को इंडिकेट करती है। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक है इननेट इम्यूनिटी और दूसरी कौन सी है? एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ECQUIRED। इननेट इम्यूनिटी डेवलप सिंस बर्थ, इननेट इम्यूनिटी बर्थ से होती है, जन्म से ही होती है। इननेट इम्यूनिटी में निम्न पॉइंट्स आते हैं, पहला है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स पैथोजन को बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देते हैं। और फिजिकल बैरियर में आता है स्किन और क्या आता है? म्यूकस, स्किन और म्यूकस। स्किन पैथोजन को बॉडी में इंटर करने से रोकती है और म्यूकस भी। म्यूकस रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, डाइजेस्टिव ऑर्गेन, म्यूकस रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, डाइजेस्टिव ऑर्गेन और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम एंड यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। नेक्स्ट है, अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इननेट इम्यूनिटी में आता है
इनेट इम्यूनिटी में आता है पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्टमक में एसिड होता है, वो एसिड पैथोजन को किल कर देता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा भी आता है और टीयर भी आते हैं, आंसू, क्योंकि सलाइवा और टीयर में लाइसोजाइम होता है। और लाइसोजाइम क्या है? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। सलाइवा और दूसरा क्या नाम तो बताया ना, टीयर। सलाइवा और टीयर, टीयर माने आंसू, इन दोनों में लाइसोजाइम है और लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या होता है कि पैथोजेंस को सेल्स डिस्ट्रॉय कर देती, मार देती, ख़त्म कर देती। सेलुलर बैरियर में कौन कौन सी सेल्स आती हैं? तो सेलुलर बैरियर में सेल्स आती हैं मोनोसाइट। सेलुलर बैरियर में कौन सी सेल आती हैं? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इसमें PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी आती हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी आती हैं। मैक्रोफेज सेल आती हैं, मैक्रोफेज और मोनोसाइट सेल भी आती हैं, मोनोसाइट सेल भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का एग्जांपल दें आप। साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन, एग्जांपल उसका इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन किन सेल से डेवलप होते हैं? वायरस जब किसी सेल को पर अटैक करते हैं तो वायरस इन्फेक्टेड सेल में कुछ केमिकल डेवलप होते हैं, वो केमिकल्स आसपास की सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से रोकती हैं। उन केमिकल्स को कहते हैं इंटरफेरॉन, उन केमिकल्स को कहते हैं हम इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एग्जांपल है साइटोकाइन बैरियर का। एंटीबॉडी वाई शेप होती है, एंटीबॉडी में दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है। एंटीबॉडी में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स का फॉर्मेशन हैवी और लाइट चेन्स होता है, हैवी और लाइट चेन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं? एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या बताएं, 16। कितने हैं? 16 है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल बताने आपको। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वैक्सीन को लगाया जाता है, वैक्सीन लगाते हैं, लिखिए आपने। अच्छा, वैक्सीन बताइए, DPT कौन सी वैक्सीन है? डिप्थीरिया पर्टियोसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टियोसिस टिटनेस। नेक्स्ट देखिए, विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम? कोलेस्ट्रॉम कौन सी एंटीबॉडी होती है? कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? कोलेस्ट्रॉम में जानते हैं फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर आई जी ए नोट कर लें, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के समय कौन सी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है? IgE। कौन सी है? IgE। सबसे ओल्डेस्ट एंटीबॉडी नाम क्या है? IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन का नाम बताओ। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन थाइमस ग्लैंड और प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन बताइए, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो।
थैमस ग्लैंड एंड बोन मैरो, थैमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। नेक्स्ट पॉइंट, MALT का पूरा नाम, MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन लिखिए, प्री हिस्टोरिक मैन इंडिया में कहाँ रहते थे? प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, लिव्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया किस भाग में रहते थे? रेजन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, रेजन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, रेजन डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस से वायरस, वो ऑन्कोजेनिक वायरस क्या हो सकता है? कैंसर। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एलाइजा की, आप बताइए एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, लिख लिया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। एलाइजा से हम हार्मोन की स्टडी भी कर लेते हैं, ठीक है, आरएनए डीएनए तो करते करते हैं लेकिन हार्मोन्स की भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर के ट्रीटमेंट का ड्रग्स बताएं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम अल्फा इंटरफेरॉन लेते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम क्या लेते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन लेते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट, ओपाइड्स, ओपाइड्स ओपियम से मिलता है, ओपाइड से मिलता है हमें ओपियम से। ओपाइड्स को या अफीम को प्लांट के किस पार्ट से निकालते हैं? प्लांट के किस पार्ट से निकालते हैं? कैप्सूल, पॉपी प्लांट के कैप्सूल से उसका एल्कोलाइड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोकेन को किससे प्राप्त करते हैं? इरिथ्रोजाइलम कोका से, इरिथ्रोजाइलम कोका से।